हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8 मैथ्स। इस एक्सरसाइज के हमने चार क्वेश्चन कर लिए हैं। टुडे वी आर टेकिंग क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी भी। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स। फूड पीसेस के आसपास जैसे एंट्स आ जाती हैं, वैसे ही 3 डिफरेंट शेप्स के फूड पीसेस फ्लोर पे गिरे हैं। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो ऐसा कौन सा पीस होगा जिसके लिए एंट को लॉन्गर राउंड लेना होगा। इसमें राउंड की बात हुई है, डिस्टेंस की बात हुई है, मींस हमें क्या निकालना है। अगर एक प्लेस से एंट चलती है तो वो चलते 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 वापस इसी पॉइंट पे पहुंचेगी, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की वो होगा इसका पेरीमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू द पेरीमीटर। सेम इन द केस हेयर, यहाँ से चलेगी एंट अगेन इसी प्लेस पे वापस आएगी, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। थर्ड फूड पीस की भी सेम कहानी रहेगी। तो मेन बात ये है कि हमें तीनों जो फूड पीसेस की डायग्राम्स हैं उनका क्या निकालना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने के लिए हमें यहाँ पे हर शेप में दिखाई दे रहा है एक सेमी सर्कल। हमें पता है एक सर्कल का, सर्कल की सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर उसके इसमें वही होगी। जो कोई सर्कल है उसकी लंबाई एक पॉइंट से चल के अगेन उसी पे वापस पहुँचना, दैट इज़ उसको हम नोट करते हैं सर्कमफ्रेंस से। एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2πr। यहाँ पे सर्कल कैसा है, आधा। तो सेमी सर्कल में सर्कमफ्रेंस भी क्या हो जाएगी, आधी। जब आप टोटल को हाफ से करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, πr। तो तीनों केसेस में सेमी सर्कल है। फर्स्ट वन इज यहाँ पे, ये है आपका सेमी सर्कल और ये वाला डायमीटर इस पीस का दिया गया है 2.8 सेंटीमीटर। सो वी कैन राइट सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तीनों में निकलनी है ये, एक बार निकाल लेंगे हर बार इसका यूज हो जाएगा, दैट इज पाई आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस हो जाएगा, टोटल डायमीटर आपके पास 2.8 है, रेडियस हो जाएगा डायमीटर का हाफ। मींस वी कैन राइट लाइक दिस, यहाँ 7 से 28 चले जाते हैं, यहाँ पे है डेसिमल, 7 से जब हम 2 के लिए टेबल पढ़ेंगे तो आएगा 0. मान के 28, 7 4 सा 28, 2 से इस तरह से चला जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई करके आ जाता है 4.4 सेंटीमीटर। टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय एंट वो क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस प्लस डायमीटर, जो इसका डायमीटर होगा। सेमी सर्कल का है 4.4 और डायमीटर है इस सर्कल का 2.8। सो 8 और 4 12, कैरी 1, आपके पास आ गया 7.2 सेंटीमीटर। तो पहले फूड पीस के केस में जो एंट डिस्टेंस ट्रैवल करती है, दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। अब इस केस में, सेकंड केस में आपकी पिक्चर है कुछ इस तरह से, यहाँ से है हाइट फूड पीस की जो है 1.5 सेंटीमीटर। ये तो इक्वल है, आपको पता है ये 2.8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या रहने वाला है 2.8 सेंटीमीटर, ये भी क्या रहने वाला है 1.5 सेंटीमीटर। सो टोटल डिस्टेंस मूव्ड, यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय एंट इज सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये जो हाइट्स हैं, मींस 1.5 प्लस 1.5 और साथ में 2.8।
सर्कमफ्रेंस ये वाली और 2.8 सेंटीमीटर ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि पाई आर हमने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, तो सिमिलर वैल्यू लिख लेंगे हम। 1.5 आ जाता है 3 एंड 2.8 ये हो जाएगा आपके पास 8 और 4 12, कैरी 1 4 3 7 2 9 और एक आ गया आपके पास 10.2 सेंटीमीटर। दूसरे केस में आपकी कितनी डिस्टेंस एंड मूव करेगी। थर्ड केस में ये वाली डायग्राम है, थर्ड केस के लिए अगेन सेमी सर्कल है और यहाँ पे आपको दिया गया है ये भी 2 सेंटीमीटर है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसका डायमीटर आप यू ऑलरेडी नो दैट इज़ 2.8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस मूव्ड बाई एंट इन थर्ड केस कितना हो जाएगा, एक तो रहेगी इसकी सर्कमफ्रेंस, यहाँ से चलते हुए यहाँ पे आ गई, प्लस ये डिस्टेंस कवर की, प्लस ये डिस्टेंस कवर की, मीन्स 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस हमने निकाली थी 4.4 प्लस हमने 4 ऐड करना है, दैट इज 8.4 सेंटीमीटर। तीनों की सर्कमफ्रेंस आपके पास मिल गई, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सर्कमफ्रेंस और सर्कल का न्यूट्रिएंट डिफरेंट शेप्स कैटर ऑन द फ्लोर फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। लॉन्गर राउंड किस केस में रहेगा, सो पहले केस में 7.2 आंसर आया था हमारे पास, सेकेंड केस में 10.2 सेंटीमीटर आया था और थर्ड केस में 8.4। सो विच इज लॉन्गर राउंड, द लॉन्गर राउंड विल बी इन द सेकेंड केस, तो इसका आंसर आ जाएगा इन द सेकेंड वन, एंट हैज टू टेक अन लॉन्गर राउंड। सो इस तरह से ये इजी सा क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम क्या है और उसका एरिया कैसे निकालेंगे। जब हमने चैप्टर किया था क्वाड्रिलेटरल्स वाला, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसमें हमने सारी क्वाड्रिलेटरल को समझा था। अब जो जो क्वाड्रिलेटरल हमने वहाँ पे समझी है उन्हीं का एरिया निकालेंगे, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।